हे गाइस, तो क्या हालचाल है आप लोगों के। अगर मैं आपसे गेमिंग की बात करूं इंडियन स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, तो यहां पे ना एकदम चलन बढ़ता था जा रहा है। पबजी, फ्री फायर, उसके बाद कॉल ऑफ ड्यूटी, इनका जमाना जैसे आ चुका है। एक सेकंड, पबजी का नहीं, बाकी सारी चीजों का जमाना आ चुका है, पबजी का जा चुका है। कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो पबजी को टारगेट करके ऐसे कि बेसिकली हां कौन से ऐसे फोन है जो बेस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं इस बजट रेंज में, तो उस पर आपका जो रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल अल्टीमेट था और उसी रिस्पॉन्स की रिजल्टेंट यहां पर वीडियो आपको दोबारा देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में अगेन हमने वो बेसिक ट्राई किया है जो बेस होता है ना गेमिंग स्मार्टफोन का, उसको लेके चले हैं कि बेसिकली आपको जो मैं बताने वाला हूं फाइव स्मार्टफोन वो किन चीजों को टारगेट करके मैंने यहां पे बनाया। तो यहां पे एक लंबी सी लिस्ट आपको दिख रही होगी जो आपको दिखाती है कि बेसिकली यहां पे फुल एचडी प्लस डिस्प्ले होनी चाहिए, उसके साथ हायर रिफ्रेश रेट हो तो बहुत ही कमाल हो जाए। कई फोन में सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलेगी। एक कूलिंग मैकेनिज्म होनी चाहिए जो बहुत ही कमाल तरीके से आपके फोन को कूल रखने में मदद करे। एक बड़ी सी बैटरी, फास्ट चार्जिंग के साथ, इसी के साथ एक पावरफुल प्रोसेसर जो हर तरह की आपकी मल्टीटास्किंग या फिर गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने में सहायक हो। इसी के साथ कैमरा भी एक डिसेंट लेवल का होना चाहिए और इसी के साथ 3.5 mm जैक और यूएसबी टाइप सी। अब आप ये बोलोगे 3.5 mm जैक तो ठीक है, यूएसबी टाइप सी गेमिंग में कहां से आ जाता है, क्योंकि यूएसबी टाइप सी एक यूनिवर्सल कनेक्टर बन चुका है और हर किसी के स्मार्टफोन में हमको देखने को मिल जाता है। तो चलो आप घर से बाहर कहीं निकल गए उसके बाद भी आपको यूएसबी टाइप सी मिल जानी चाहिए ना, तो गेमिंग में कहीं भी इंटरप्शन हो ही ना, इसके लिए सारी चीजों को ध्यान में रख के मैंने स्मार्टफोन जो है यहां पर तैयार किए। तो बेसिकली अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को कर देना आपको लाइक, और उसके बाद मेरा नाम है अरविंद और आप देख रहे हैं टेक मास्टर। चैनल को लो सब्सक्राइब और सीधे कर लो बेल आइकन को प्रेस, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हमेशा मैं आपको बोलता हूं कि बेसिकली यहां पे जो स्मार्टफोन मैं बता रहा हूं उनमें किसी को भी रैंकिंग नहीं दी है, लेकिन इस बार मैंने रैंकिंग दे दी है। अब यहां पे आपको जो सबसे पहले नंबर पे स्मार्टफोन बताऊंगा वो सबसे बेस्ट होगा कुछ टर्म्स में, आगे आने वाले स्मार्टफोन भी कुछ टर्म्स में बेस्ट होंगे वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो बेसिकली बेस्ट स्मार्टफोन, बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन अंडर 15,000, तो सबसे पहला जो स्मार्टफोन निकल जाता है वो है पोको एक्स थ्री। अब ये जो स्मार्टफोन है वो 6.67 इंचेस की एक IPS LCD डिस्प्ले को लेकर आता है विद 120 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट। अब ये जो 120 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट है वो आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही एकदम अल्ट्रा स्मूथ बना देने वाली है। इसमें वो कोरिंग गोल्डा ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। पंच होल वाले सारे ही फोन्स है, बेसिकली पंच होल इसमें डेडिकेटली नहीं है। 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेगा आपको और इसी के साथ हमको देखने को मिल जाती है 6000 mAh की एक बड़ी सी बैटरी विद 33 वाट ऑफ फास्ट चार्जिंग और इसमें सपोर्ट मिलता है आपको लिक्विड कूलिंग का। अब ये इकलौता सा स्मार्टफोन है जो इस प्राइस रेंज में आपको लिक्विड कूलिंग प्रोवाइड कर रहा है और कोई प्रोवाइड नहीं करता किसी भी कंपनी के द्वारा। अब पोको बेसिकली यहां पे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी डिवाइसेस प्रोवाइड करने के लिए हमेशा से जाना गया, तो बेसिकली यहां पे यही चीज आपको देखने को मिल जाती है, बहुत बड़ा एडवांटेज। इसका जो 6GB 64GB वाला रैम वेरियंट है ना वो आपको देखने को मिलेगा 14,500 रुपीज में, तो डेफिनेटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो अगर आप एक गेमिंग स्मार्टफोन चाहते हो तो। उसके बाद जो इस लिस्ट में दूसरे नंबर का स्मार्टफोन है ना वो है Redmi Note 9 Pro Max। अब ये लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था और यहां पे हमको काफी कमाल की वैल्यू के साथ देखने को मिल जाता है। जब लॉन्च हुआ था तो काफी कुछ 17-18 हजार रुपए का स्मार्टफोन था, लेकिन यहां पे आपको अंडर 15,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिल रहा है और इसमें हमको देखने को मिल जाती है 6.67 इंचेस की एक IPS LCD डिस्प्ले और ये फ्रंट और बैक दोनों तरफ ग्लास को लेकर आता है। कोरनिंग गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन को भी आपको प्रोवाइड करता है, मतलब ओवरऑल एक पैकेज है। और यहां पे एक स्नैपड्रैगन 720G के साथ आता है और इसमें हमको देखने को मिल जाते हैं 64 मेगापिक्सल के क्वाड रियर कैमरास। ये गेमिंग के लिए ही नहीं है, ये कैमरा वाइज भी बहुत ही एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। इसमें हमको 5020 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलती है। इसका जो 6GB 64GB वाला रैम वेरियंट है वो आपको देखने को मिल जाता है 14,999 रुपीज में, तो डेफिनेटली अगर आपको एक गेमिंग के साथ साथ कैमरा भी चाहिए तो डेफिनेटली ये फोन आपके लिए बहुत कमाल हो सकता है। और अगर आप पॉलीकार्बोनेट बैग से एकदम हेट वाली फीलिंग आती है आपको और ग्लास बैग चाहिए तो आपको एक प्रीमियम लुक भी ये प्रोवाइड कर देगा। और उसके बाद जो तीसरे नंबर पर मैंने यहाँ पे स्मार्टफोन रखा है वो है रियलमी नार्जो 20 प्रो। आजकल कितने स्मार्टफोन के नाम मतलब एकदम भर भर के डाले जा रहे हैं, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स, रियलमी नार्जो 20 प्रो। तो बेसिकली ये जो स्मार्टफोन है वो अपने साथ 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले 90 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट को लेकर आता है और अगेन ये रिफ्रेश रेट है उसकी वजह से आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा गेम खेल रहे हो, वो 90 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, लेकिन फोन यहाँ पे 90 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। इसमें
को MediaTek का Helio G95 देखने को मिलता है। अब Helio की ये वाली सीरीज जो है ना G90T G90, ये सारे ना गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन्स के लिए डिजाइन की गई है, तो डेफिनेटली ये आपको गेमिंग में बहुत ही कमाल तरीके का एक्सपीरियंस देने वाला है एकदम हाई एंड सेटिंग्स पे। और इसके बाद हमको देखने को मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है और ये 4500 mAh की बैटरी को लेकर आता है। कमाल चीज ये नहीं है, इसमें कमाल है 65 वोल्ट की डार्ट चार्जिंग का। यहां पे आप Realme 7 को भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन उसमें चार्जिंग इतनी कमाल नहीं देखने को मिलती है जितनी इसमें देखने को मिलती है। अगर आप एक गेमिंग सेंट्रिक स्मार्टफोन खोज रहे हो तो डेफिनेटली Realme 7 के कंपेयर में आपको ये फार बेटर देखने को मिलता है। और इसी के साथ ये Realme UI Android 10 पे हमको देखने को मिलता है और 6GB 64GB वाला रैम वेरियंट है ना वो हमको इसमें देखने को मिलेगा 14,999 रुपीज में। तो अगर आपको Realme के फोन पसंद है, Realme UI पसंद है और इसी के साथ आपको ये डार्ट चार्जिंग पसंद है 65 वोल्ट वाले, तो डेफिनेटली आप Realme Narzo 20 Pro के साथ जा सकते हो। और उसके बाद चौथे नंबर का स्मार्टफोन मैंने यहां पे जो रखा है वो है Redmi Note 10। अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था ये, इसकी जो डिजाइन है, इसका जो Android 11 पे आना है, बेसिकली 2021 का स्मार्टफोन है और उस हिसाब से आपको सब कुछ इसमें देखने को मिल जाता है। इसमें 6.43 इंचेस के एक सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। अब यार IPS LCD के मुकाबले यहां पे आप सुपर AMOLED को रखोगे ना तो जितना भी कंटेंट आप एंजॉय कर रहे हो उसमें बिल्कुल एकदम रंगीनियां मच जाएंगे। डेफिनेटली आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाने वाला है। और 6.4 इंचेस 6.5 इंचेस ये जो डिस्प्ले साइज होता है ना वो फोन को इतना हैंडी बना देता है ना, तो बहुत ही एकदम खेलने में मजा आता है। ऊपर से इसमें स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं जो इस प्राइस रेंज में बहुत ही रेयर हैं। इसमें हमको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 678 जो अगेन आपको काफी ठीक ठाक सी गेमिंग करवा देगा। और इसी के साथ आपको देखने को मिलेगी 5000 mAh की बैटरी विद 33 वाट ऑफ फास्ट चार्जिंग। तो इसमें कमाल चीज होगी इसकी डिजाइन, इसी के साथ एंड्रॉइड 11 पे आना है इसका और इसी के साथ हमको देखने को जाता है इसमें स्टीरियो स्पीकर्स, तो सारी चीजें ही बिल्कुल कमाल की हैं। तो इसका जो 4GB 64GB वाला रैम वेरिएंट है वो हमको देखने को मिलता है 11,999 रुपीज में। और यहां पे जितने भी फोन्स मैं आपको बता रहा हूं किसी को कोई कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है, जो प्राइस है वो एग्जैक्ट आपको देखने को मिलती है और सेल्स में ये और भी कम हो जाने वाली है। तो 12,000 की, जिनका बजट 15,000 भी नहीं है इनकेस, तो वो भी 12,000 की प्राइस रेंज में इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट स्मार्टफोन यहां पे है वो है पोको M2 प्रो। अगेन ये उन लोगों के लिए है जो 15,000 का बजट नहीं लेके आए, उनसे थोड़ा कम बजट है। तो डेफिनेटली ये जो स्मार्टफोन है वो Redmi Note 9 Pro सीरीज को थोड़ा सा डिजाइन करके अलग सा बनाया गया है। इसमें हमको पोको लॉन्चर देखने को मिल जाता है जो बहुत ही कमाल की चीज है। 6.67 इंचेस की एक IPS LCD डिस्प्ले है, इसी के साथ ये भी ग्लास बैक को लेके आता है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन को लेके आता है, 48 मेगापिक्सल का हमको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, सारी चीजें बिल्कुल कमाल की हैं। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G वाला एक ओवरऑल आपको परफॉर्मर देखने को मिल जाता है इसमें और ये 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को लेके आता है। और इसका जो 4GB 64GB वाला रैम वेरिएंट है ना वो आपको देखने को मिल जाता है 11,999 रुपीज में। अब आप ये पूछोगे 11,999 वाला फोन दो हो गए यहाँ पे Redmi Note 10 और Poco M2 Pro, मुझे चूज करना होगा तो मैं डेफिनेटली Redmi Note 10 को चूज करूंगा क्योंकि ये 2021 का स्मार्टफोन है और सारी चीजें ही बहुत ही लेटेस्ट देखने को मिल जाते हैं इसमें। तो बस यार ये कुछ 5 स्मार्टफोन्स हैं जो अगेन एक गेमर जो है उसके लिए सारी नीड्स को फुलफिल कर देते हैं। बाकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे, जितने भी पॉसिबल हो पाएंगे वहां से जाके आप सीधा चेकआउट कर सकते हो। बाकी बस यार आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आपको वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर भी करना है और इसी के साथ करना है चैनल को सब्सक्राइब। एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।